हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हो। मैं ज्योति अपने चैनल हैप्पी लिविंग पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी, और ये इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त बनी गाइस कि बस आप लोग भी इसे खाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, तभी आप लोग को पता चलेगा कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई थी। तो आइए जान लेते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा, मैं आज सोया चाप की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी में मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपको मैं इस वीडियो में साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन को गर्म कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है। तेल डालने के बाद तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर मैंने उसमें सोया चाप को अच्छे से फ्राई कर लिया है। सोया चाप फ्रोजन होता है, आप उसको निकाल कर फ्रिज से थोड़ी देर बाहर रखोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, और फिर आप इसे किसी भी तेल में फ्राई कर लीजिए जैसे आप पनीर फ्राई करते हो। उसके बाद फिर मैंने उसी फ्राइंग पैन में से तेल को थोड़ा कम कर लिया था और उसमें ऐड कर दिया है आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें अदरक के जूलियंस मैंने कट कर लिए थे वो डाला है, 8-10 मैंने इसमें लहसुन की कलियां डाली हैं, एक हरी मिर्च डाला है और इन सबको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद फिर मैं इसमें एक बड़ा अनियन लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके इसको भी इसमें डाल लूँगी और थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। नमक इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है ताकि ये जो प्याज है अच्छे से भुन जाए और गल जाए और जले नहीं। फिर मैं यहाँ पे एक बड़ा टमाटर यूज़ कर लूँगी, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है, आप चाहे जैसे भी कट करें। और फिर इन सबको ढक कर मैं 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी। जब ये टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएंगे फिर मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा प्याज टमाटर का ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/4 टेबलस्पून के इतना हल्दी, 1/4 टेबलस्पून के इतना धनिया पाउडर, 1/4 टेबलस्पून इतना लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से काजू और बादाम भी यूज़ किए मैंने। तो बस इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर और भून कर बस इसे गैस को ऑफ कर देना है और ठंडा होने के बाद आप इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो था वो ठंडा हो चुका था, तो अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। इस पे थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये प्यूरी जो है थोड़ी पतली बने। और बस अब इसकी प्यूरी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्यूरी जो है वो बनकर अब तैयार हो चुकी है। देखिए, अब हम एक दूसरा फ्राइंग पैन लेंगे और बस अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें 1 बड़े चम्मच के ना तेल डाल दिया था और 1 चाय पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर 1/2 छोटा चम्मच इतना मैंने ज़ीरा ऐड किया इसमें, 1/4 चम्मच इतना हींग ऐड किया इसमें, 1/4 चम्मच इतना हल्दी ऐड किया है इसमें, लाल मिर्च ऐड किया, ये कलर वाला लाल मिर्च है, तीखा वाला नहीं है, और 1/4 चम्मच इतना मैंने इसमें धनिया का पाउडर यूज़ किया और बस उसे भून लिया। और उसके बाद फिर मैंने उसमें जो अपनी ग्रेवी प्यूरे बनाई थी उसको डाल लिया है और डाल के इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख कर इसको धीरे धीरे भुनना है। अब इसमें क्योंकि नमक मैंने कम डाला था तो नमक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया है। आप जितना नमक खाते हैं, कम खाते हो तो कम डालो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। तो बस इसे इस भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ये ग्रेवी है वो पक चुकी है, ये देखिए ये फ्राइंग पैन छोड़ चुकी है और तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो बस ये ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा 1 कप इतना पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। अब ये हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसमें हमने जो चाप फ्राई किए थे वो अब इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करके और ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दूंगी ताकि जो ग्रेवी है हमारी चाप के अंदर चली जाए, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो चाप
सोया चाप की सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो गाइस, कैसी लग रही है मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, एंड उसके बाद ही आप लाइक देना एंड लाइक ज़रूर करना।